पराठे हो गए, अब जो है मैं घर की तरफ जाऊंगा, अम्मी को उठाऊंगा। उसके बाद जो है नबील तो बस वो क्या करे, नबील का नो कमेंट। सीन कुछ ऐसे हैं जुने जो जैसे हैं भाई, लॉकडाउन लगने वाला है, 3 दिन में जितनी शॉपिंग कर सकते हो कर लो, ऐसा मैंने सुना है। और दो बच्चे जा रहे हैं, हेलो भाई जान, बिल्कुल टिकटॉकर जी, हेलो सर नाप मैम, मैं आपका पराठा ले लीजिए जी। मैम वो तो आप लेना ही पड़ेगा ना यार, आप देखें अब तो वो लेना ही पड़ेगा। मेरी गाड़ी में लाइट भी है। अभी मैंने नया नया खर्चा किया, खुल जा बेटा, इज्जत की अफजाई, खुल जा बेटा। मैं वो, अरे हमारे मुल्क में भी रोशनी आ गई। अब जो है दूध है घर में। अच्छा सर हैदर भाई आपके लिए ऑमलेट ले लेते हैं, कंजा बोल रही है। मास्क पहनो, पुलिस उठाकर ले जाएगी। नहीं लेकर जाएगी, उनको पता है मैं टिकटॉकर हूँ। मेरे से वैसे क्या हुआ, मैं सच्चे बताता हूँ। मेहरान होटल के पास, चलो मैं उसी रोड से लेके चलता हूँ। मेहरान होटल के पास मैं जा रहा था और पुलिस वाले मुझे रोका, रात का ही टाइम था। उन्होंने बोला हाँ भाई किधर, मैं लगर लाइसेंस है नहीं, NIC है नहीं। फिर एक ने बोला तुम तो वो हो जो गेम खेलते हो, मिल्ला जी अंकल। बोला चलो फिर एक सेल्फी लो और जाओ, मिल्ला ओके। तो ये रोड जो है अभी मतलब फुल सन्नाटे, ये शहज आया हुआ है मेरे रोड पे, ये शहज आया हुआ है सामने ऑल पैक। तो आज से पराठे लेने से और कुछ अम्मी ने लेने को बुलाया था खरीदने को, तो बस यही सीन है। गाड़ी में भी मैंने सैनिटाइजर रख लिया है और स्प्रे भी रख लिया, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे मैंने लिया है बेगोन कंपनी का, वो भी मैं ये नहीं बोलूँगा मेरी अम्मी ने लाके दिया है कि गरीब आदमी अपनी गाड़ी में रख लो, क्योंकि करोना इज डरोना। अच्छा अब ये है कि कंजा फातिमा हंस रही है, अरे गुड यार, ये सब हंस रहे हैं ना मुझे अच्छे लगते हैं, अच्छे आप लोग इस तरह हंसते ही रहा करें। 3:15 हो रहे हैं, शहरी का टाइम हो रहा है, यहाँ वही लाइव बैठा है मेरे साथ जो घर में कोई काम नहीं करता। तो सारे सेठ लोग अभी लाइव देख रहे हैं मेरी, और उन सारे सेठों को मैंने यही बोलना है कि अच्छी बात है काम नहीं करने चाहिए, हम रोज़ा रख रहे हैं ना यार, मतलब कितने काम करें, मतलब हर चीज़ करे थक जाता है बंदा। हेलो चीकू कैसी हो, चीकू भी आ गई। सारे दोस्त जब मेरी लाइव पे आते हैं मुझे मज़ा आता है, यानी इसका मतलब है कल से मुझे लाइव आना पड़ेगा पहले की तरह, और प्रैंक कॉल करनी पड़ेगी पहले की तरह, ताकि सब मस्तियाँ करें, इंजॉय करें। सब में बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ गया है, मेरे मुँह से निकलने लगा था कि एज गैप आ गया है। सदर की रोडें नाप रहे हैं क्योंकि AC चल रहा है, और घर में थोड़ा डर लगता है क्योंकि जब AC चलाओ तो मम्मी बोलती है बिजली का बिल तुम्हारा बाप भरेगा, तो मैं अब डर जाता हूँ इतने जुमले से। पर बिजली का बिल हम इस बार खुद भरेंगे भाई, भरेंगे, बड़े हो गए हैं, बड़े बनना पड़ेगा, मेरा तो बाप भी भरेगा। और जो है बस घर सामने आ गया है, डर थोड़ा लग रहा है, मगर मैं चाह नहीं था कि मैं लाइफ से जाऊँ, क्योंकि मेरे लाइफ में कौन कौन से दोस्त है पहले मैं देख लूँ। मेरी लाइफ पे है चीकू, ईशा, हैदर, जरनाब, नताशा, कंजा, अरे इतने सारे ऐसन भाई भी हैं। ऐसन भाई गुड लक फॉर योर ए लेवल्स के एग्जामिनेशंस। चलो हम एक और रोड नाप, नहीं नाप सकते, एक और रोड, 3:15 हो गए, मम्मी को उठाते ही 15 मिनट लगते हैं मुझे, और बाइक पे दो लोग पीछे आ रहे हैं, ऐसा ना हो चोर हो, ठोक के मार दूंगा। वॉइस स्लो आ रही है यार, रोज़ा लग रहा है ना भाई जान। अच्छा तो ये है कि भाई शॉपिंग कर लो अपनी अपनी, 1 तारीख से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगने वाला है, और लोगों ने बोल दिया है कि इसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपके बम पे पड़ेंगे डंडे। अच्छा अगर आपको बगैर सर्जरी के किम कार्डेशियन बनना है ना तो आप बन सकते हैं, बस बगैर मास्क के रोड पे निकल जाना, कराची के टुल्ले आपकी खुद ही सुझा देंगे, और उसके बाद आपको घर जाके सुला देंगे। और जो है आई एम वेरी कन्फ्यूज के दिस ईयर विच कलर शलवार कमीज शुड आई वेयर, सो इफ़ यू हैव एनी आइडियाज माई फ्रेंड्स यू कैन शेयर इट विद मी, आई हैव वोर मैनी कलर्स सो आई एम वेरी कन्फ्यूज वट टू वेयर दिस ईयर। इंशाल्लाह ईद नसीब हो हम सबको, और अल्लाह मियाँ हम सबको ज़िंदगी दे। और मैं लाइट बंद करके गाड़ी चला रहा हूँ, जैसे मैं लाइट बंद कर दूँ पहले, ऐसा ना चोर वोर आके मेरी गाड़ी लूट लें, या शायद आ गए। ओ ये गाड़ी मैंने रोकी किधर, ये मैंने बंद किया इग्निशन, ये मैंने ब्रेक लैम्प लगाया, ये मैंने करे दरवाजे लॉक ताकि मेरे घर में कोई घुस नहीं जाए, और अब मैंने एक दरवाज़ा खोल दिया। फिर मैंने पराठा उठा लिया, पानी की बोतल मेरी गाड़ी में पड़ी रहने दो, और मैंने जो है वो दरवाज़ा खोल लिया। हाँ जी सदर के इलाके से रिपोर्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर रात में आ रही है कौवों की आवाज़, जिसका मतलब ये है कि
इसका मतलब ये है कि घर की चाबी नहीं उठाई। वेरी गुड लारे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो गाइस, आप लोग मेरे साथ रहना ताकि मोबाइल ना छीने, ठीक है? और अगर कोई मोबाइल छीनने भी आए तो हम भाग जाएं। गाड़ी की चाबी, गाड़ी चाबी तो है नहीं, घर की चाबी तो है नहीं, कहाँ गई? घर की चाबी नहीं है, बस लेके उतरा था मैं। खैर, और रोजेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, सहरी का वक्त अभी शुरू होता है। खाना भी सही है ना? रोजेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, सहरी का वक्त शुरू होता है। अपनी बिल्डिंग वालों को भी उठा। तेरी तुम्हारे लिए शटर बजाता हूँ, ये देखो अभी 1 2 3। चलो तुम्हारे लिए शटर बजा दिया, ढोल नहीं बजाया। सही बेटा, और बोलो। डराते हैं साले। अस्सलामुअलैकुम लुमना आंटी, कैसी हैं? मैं आपके पास सहरी करने आऊँगा। असल में मैं सहरी करने किसी घर से नहीं जाता हूँ, क्योंकि जब मैं अपने घर पर सहरी नहीं करता हूँ तो मेरी अम्मी भी नहीं करती। तो ये है कि मैं होता तो थोड़ा बहुत खा लेती, अगर मैं नहीं होता तो बिल्कुल नहीं खाती। तो इसीलिए मैं सहरी अम्मी के साथ करता हूँ। इसी तरह मुझे रोज़ा भी घर पर खोलना पड़ता है, तो मैं मेजॉरिटी रोज़े अपने घर पर खोलता हूँ ताकि मम्मा कुछ खा लें, वरना मेरी बुड्ढी कुछ खाती नहीं है। उठ जाए भाई, सहरी हो रही। तो बस यही है, अपने घर वालों को उठाने। और उम्र हो गई, चढ़ी चढ़ चढ़ के थक जाता हूँ। ओह वैसे बस आ गया, फ्लोर आ गया अपने। दरवाजा बजा के भाग गया आपका भाई, देख रहे हो? चौड़े, खतरनाक चौड़े। गाड़ी के दरवाजे से चाबी, गाड़ी की चाबी से दरवाजे खोले। चाबी नहीं है बस। नबील, 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 मुझे लग रहा नबील घर पे नहीं आए, तो मुझे अम्मी को उठाना पड़ेगा। मम्मा, ओ माँ, माँ, अम्मी खोलो, मैं आया। अम्मी मैं लाइव हूँ, कुछ नहीं बोलना। चलो उठ जाओ, सहरी का टाइम हो गया बेटा। 3:18 हो रहे हैं। अम्मी आपसे पराठे मंगाए थे ना? अम्मी उठ गई हैं, मैं घर में आ गया हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरा घर है, और यहाँ मैं जलील होता हूँ। ये तो घर में, ओहो सोया हुआ है भाई, इसके बाप की शादी है। तेरे को आवाज़ें नहीं आ रही? कब से नबील नबील बोल रहा हूँ मैं, क्या बंद पी के सोया था? हैं, कब से आवाज़ें मारूँ नबील नबील, फिर मैंने अम्मी अम्मी आवाज़ें मारी हैं। ये कैसे स्टाइल में सो रहे हो, क्या कर रहे हो ये? ओ भाई हेलो, चक्की के जानवर, उठे सहरी का टाइम हो रहा है। तेरे बाप का नौकर हूँ, पराठे भी मैं लेकर आऊँ, दूध भी मैं लेकर आऊँ, कुछ तो काम कर, कभी तो असली मालिकों की इज्जत किया कर।
उठ, पेप्सी पी रहा है साले, गन्ने का जूस नहीं पिला तुझे कोई? उठ सहरी का ना, चल चाय बना, चल उठ चाय बना, चाय बना, उठ उठ उठ, गेम शो में रोज हार रहा है साले डोंकी, उठ भाई। कभी कभी मुझे लगता है मैं इसके घर में रह रहा हूँ, कभी कभी लगता है कि मैं ही साला पेइंग गेस्ट हूँ। पराठे में लाता हूँ, दूध में लाता हूँ, कमरा मैं साफ करता हूँ, कबर्ड मैं साफ करता हूँ। वो दिखाता मैंने कबर्ड साफ किया, मेरी माँ ने मेरी वीडियो बनाई थी पूरी कमरा साफ करते हुए। ये देखें इतना सोफिस्टिकेटेड कबर्ड कहाँ मिलेगा आपको। अभी मैंने सिर्फ एक ही जगह सही करी है, ये मैंने थोड़ा सा सही करा है, मेरे परफ्यूम्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये डंगर का सामान मैंने साफ तरीके से रखा है, पेंटें सही रखी हैं। मैं क्या क्या करूँ, वॉट द हेल शुड आई डू इन दिस होम, क्या मतलब क्या 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 सैरी करके आया? ये गर्मी लग रही थी, ये सैलेड क्या खाया? सैलेड खाता है 500 रुपये वाला, हमारे पास खाने के वादे लगे हुए हैं, ये 500 वाले सैलेड खा रहा है। उठ भाई उठना, जा बस चल उठ। मैं हारा हूँ, हारा बंदा तू, बता मुझे, मैं देख रहा हूँ तू कहाँ कहाँ से हार रहा है ना, अभी एक और जगह से हारेगा तू, तेरे को पता नहीं है। और घड़ी मिल गई मुझे, तेरे ही दराज में थी मेरी आईफोन की घड़ी, समझा? हमारे को मिल गई, ये मेरे घर में चोरियाँ करना शुरू हो गया, घड़ियाँ चोरी कर रहा है, मेरी आईफोन की घड़ी चोरी कर ली साले ने, उससे पहले ये तो चोरी कर नहीं सका, इसको पता था ये मुझे खुद ढूंढ के आ जाएगी घड़ी, इसने आईफोन की घड़ी चोरी करी, 25 दिन बाद मिली मुझे मेरी घड़ी। यार तुम लोग तो सो रहे हो यार, मम्मी को उठा दूँ। गाइस मैं आपको एक नई चीज़ दिखा दूँ, मैं पहन के मेरी गिफ्ट मिली, मैं हाय ब्रोस, हाउ आर यू, व्हाट्स अप, यो, तो कैसा? तो मम्मी को उठा, माँ उठ जाओ बेटा, 3:22 हो रहे हैं अम्मी, 3:30 पे तो उठ जाओगी, सहरी कब कराओगी अम्मी? 10 मिनट्स में अम्मी इंग्लिश बोल रही है मेरी सहरी के टाइम, नींद में भी अम्मी अंग्रेजी बोल रही है। अम्मी असल में मेरी अम्मी नहीं है, वकील में डर लगता है, तमीज से बात करनी पड़ती है, ऐसा नाम पे केस ठोकते हैं किसी भी। अम्मी उठ जाओ, सहरी बनाओ, पराठे लाया हूँ, चाय तो बनाओ। मेरे घर में मुझसे कोई बात ही नहीं करता, सारा फर्नीचर खुलवा हुआ सबने, क्या करूँ क्या करूँ, एसी चल नहीं रहा, चलो फ्रिज के पास में थोड़ा फ्रिज खोल लेता हूँ। गाइस फ्रिज में बर्फ़ है क्योंकि रमज़ानों में से बर्फ़ होती है, तो फ्रिज खोल के आपसे लाइफ में बातें करते हैं। हाय, हवा भी आ रही है, थोड़ी हवा आ रही है मुझे, तो ठंडी, कद लंबा करना पड़ रहा है तो छोटा सा हूँ। तो भैया ये सीन है कि एसी की हवा नहीं मिले तो फ्रिज खोल लें आप, डीप फ्रीज़र से भी हवा ही आती है, हवा तो हवा होती है, आगे से है, पीछे से है, दूर से है। और अभी यह है कि 3:30 हो रहे हैं और स्पीकर दब गया मेरा, सर्दी में दब गया बेचारा। बस ये है कि मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है, तो आप लोग भी अपने अपने घर चले जाएं ताकि सहरी कर लें। कराची और उसके मुजाफात में सहरी का वक्त हुआ जाता है, सहरी की औकात में अपनी औकात में रह के खाएं, वलीमा समझ कर ना खाएं। इसी के साथ दीजिए आरिफ खालिद को इजाज़त, कल आएंगे फिर से लाइव, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए। अरे जूजू आई मेरी जूजू, सुसू तो नहीं आया मुझे, मगर मेरी जूजू आ गई, जूजू है मेरी एक दोस्त, बिल्ली की गोश्त। सो गाइस टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखिए, मम्मी को उठाता हूँ, घर के मालिक भी उठ गए, तो बस ये है कि अपना बहुत ख्याल रखें, लाली आउट, आमिर लाह को दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, ओके इसी अपने घर के साथ, आमिर लाह को दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, लाली आउट, ओके दा भाई, बाय, मैं जा रहा हूँ, तैयारी करनी है, भूख लगी भाई मुझे भी।
पर मैं फिर बोल रहा हूँ शहरी की औकात में अपनी औकात में रहे खाना, वरना फिर हो सकता है कि आप लोगों को खाने के बाद सीधा वॉशरूम जाना पड़ जाए और जो खाया वो निकल जाए और फिर दोपहर में रोज़ा लग जाए। तो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, पानी पिए घोड़े की तरह, खतरनाक। ऑल वाटर ड्रिंक गैलन, आई ड्रिंक गैलन, आई शो यू माई गैलन, मैं शहरी में ये पीता हूँ, मेरा तो पानी है शहरी का। खाली हो गया है वो असल में, मैंने पी लिया है तो बहुत ठंडी हो गई अब मैं।